क्या आप भी अहोई माता के विषय में जानते हैं? अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान के लिए यह पावन व्रत रखती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी या अहोई आठे का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को गुरुवार को रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे विस्तार से। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है। इस दिन चंद्रमा की तरह तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यह व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी 2024 तिथि। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर 2024 को 1:18 पर। अष्टमी की तिथि समाप्ति है 25 अक्टूबर 2024 को प्रातः 1:58 पर। पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी 2024 का शुभ मुहूर्त जो बन रहा है अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त है 24 अक्टूबर 2024 को शाम 5:42 से लेकर 6:59 तक, अवधि 1:17। अब चंद्र अर्घ है 24 अक्टूबर रात्रि 11:55। गोवर्धन राधा कुंड स्नान गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को शाम को। तारा दर्शन का समय 24 अक्टूबर शाम 6:06 में। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण दशमी अष्टमी के दिन अहोई चंद्रोदय का समय रात्रि 11:55। अब अहोई अष्टमी 2024 पर शुभ योग। अहोई अष्टमी के दिन सर्वार्थ गुरुपुष्य योग और अमृत सिद्धि शाब्दीय योग का संयोग बन रहा है जो इस दिन को खास शुभ बनाता है। क्यों रखा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत? तो अहोई अष्टमी के दिन संतान की सुख लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है और रात में तारों को देखने के लिए बाद व्रत तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चांद को देखकर व्रत तोड़ती हैं, लेकिन ऐसा करना कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चांद देर रात को निकलता है। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से 8 दिन पहले आता है। अहोई अष्टमी केवल उत्तर भारत में ही मनाई जाती है। इस व्रत को अहोई आठे भी कहा जाता है क्योंकि यह कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है, साथ में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के साथ पानी पीती हैं, व्रत तोड़ती हैं और इस व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि माताएँ अपने बच्चों को दुख दर्द से दूर रखने और उनकी रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। उनके सुख समृद्धि के कल्याण के लिए हमेशा माताएं व्रत रहती हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा और यह सब वीडियो मैं लगातार आप सभी के बीच लेकर के आ रहा हूं और इसमें जो भी आप कहीं पर भी आपको लगता है तो कमेंट जरूर करिए ताकि मैं इसमें सुधार ला सकूँ। कुछ बदलाव करने की जरूरत है, मैं बदलाव कर सकूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।